दरभंगा शहर में प्रशासन तोड़ रही थी प्रसिद्ध महाराजी पुल, फिर लोगों ने मौके पर पहुंचकर किया इसका भयंकर विरोध, तब जाकर रुका पुल तोड़ने का कार्य। जी हां, रविवार की सुबह नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराजी पुल तोड़कर गिराए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। इसके बाद काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। अंत में स्थानीय निवासी बालेंदु झा द्वारा दरभंगा के जिला अधिकारी एवं नगर आयुक्त से वार्ता के बाद महाराजी पुल तोड़ने का कार्य रोकना पड़ा। दरअसल करीब एक वर्ष पूर्व महाराजी पुल तोड़कर नए पुल का निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया था। निर्माण एजेंसी द्वारा पुल के बगल में एक पाइप पुल बनाया गया था, पर उस मार्ग से केवल साइकिल रिक्शा आदि ही गुजर सकता था। ऐसे में शहर के पश्चिमांचल क्षेत्र में वार्ड 8, 9 और 23 अंतर्गत शोहंकरपुर, रत्नोपट्टी, वाजिदपुर आदि के लोगों के लिए चार चक्का वाहनों को ले जाने का दो ही वैकल्पिक मार्ग बचता है। एक मार्ग इमली घाट पुल, दूसरा मार्ग किला घाट पुल की तरफ से निकलता है, परंतु दोनों वैकल्पिक मार्ग में अतिक्रमण एवं गड्ढे आदि के साथ साथ कई जगह बिजली के पोल भी खड़े हैं। इसका कारण है इन दोनों मार्गों से इस क्षेत्र की गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में रविवार की सुबह जब महाराजी पुल तोड़ने का कार्य निर्माण एजेंसी शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया। इस विरोध का नेतृत्व कर रहे बालेंदु झा ने तत्काल जिला अधिकारी राजीव रोशन को मामले से अवगत करवाया और सर्वप्रथम वैकल्पिक मार्ग से अतिक्रमण हटाने के साथ चौड़ीकरण एवं मरम्मती का अनुरोध किया, ताकि पुल टूटने पर स्थानीय लोगों को वाहन को ले जाने का दिक्कत न हो पावे। जी क्या मामला है यहाँ चल रहा है? जी यहाँ महाराजी पुल का, सुहंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजिदपुर का एक मुख्य लाइफ लाइन कहें तो यह महाराजी पुल है, जो कुछ महीने पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने आके इसका शिलान्यास किया था। अभी आवागमन के लिए एक डायवर्सन बनाया गया है, जो जिस डायवर्सन से मुश्किल से पैदल या मोटरसाइकिल यात्री ही जा पाएंगे, और यह पुल तोड़ने के लिए निगम ने यह बोर्ड दो दिन पहले लगा दिया। हमारी कल बात हुई नगर आयुक्त महोदय से, हमने अपनी मांग रखी है नगर निगम प्रशासन से, गांव वालों की तरफ से हमने यह मांग रखी है नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से, कि पहले जो दो अन्य पुल और वैकल्पिक मार्ग हैं, इमली घाट पुल और किला घाट पुल, उन दोनों पुलों के जो सड़क हैं वो पहले इसका निरीक्षण किया जाए कि क्या दो गाड़ी आपस में एक साथ क्रॉसिंग कर सकती है, और अगर नहीं तो उसका निरीक्षण करा के पहले अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जहां गड्ढा है गड्ढा भरा जाए, जहां पोल है पोल हटाया जाए, जहां अतिक्रमण है उसे मुक्त कराकर चौड़ीकरण कराकर आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो इन हजारों हजार लोगों को। अगले दो तीन सालों लगेंगे करीब करीब पुल बनने में, तो हमारी बातों को नगर आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया, जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया, हमारी अभी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमने उन दोनों वैकल्पिक मार्गों के निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जल्दी कमेटी रिपोर्ट देगी और उन रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करके के बाद, सुदृढ़ करने के बाद ही महाराजी पुल को तोड़ने में हाथ लगाया जाएगा। और जिलाधिकारी के आदेश के तुरंत बाद मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ एजेंसी को मना किया तो तुरंत फोन आ गया और काम रुक गया है। हम अपनी समस्त ग्रामवासियों की ओर से नगर आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतने अति महत्वपूर्ण विषय पर संज्ञान लेकर तत्काल में पुल को तोड़ने का काम रोका है। जब वैकल्पिक मार्ग ठीक हो जाएंगे तभी यह पुल टूटेगा, आवागमन निर्बाध रूप से तब तक इस पुल से जारी रहेगा। कुछ देर में जो ये बाधा उत्पन्न की गई थी वो बाधा लेबर आ रहे हैं ये सब हट जाएंगे और महाराजी पुल से आवागमन जैसे चल रहा।